हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सातवें चरण के लिए रिक्तियों की गणना नहीं हुई है अब तक। सातवें चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए नियोजन इकाई वार रिक्तियों का आंकड़ा अभी तक जिलों से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं मिल सका है। जिलों को नियोजन इकाई वार रिक्तियों की जानकारी 30 जून तक देनी थी। ऐसे में जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी से रिक्त पदों के सापेक्ष रोस्टर बिंदु के क्लियरेंस में विलंब होने की आशंका है। तो अभी तक जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक तक रिक्ति नहीं पहुंची है, तो इसमें रोस्टर क्लियरेंस होने में भी विलंब की आशंका जो है लग रही है जिला स्तर पर। ठीक है, विभागीय जानकारों के मुताबिक रोस्टर क्लियरेंस में यह पूरा महीना लग सकता है, जबकि निदेशालय ने जिला पदाधिकारियों को से रोस्टर क्लियरेंस करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तय की थी। इससे सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की तैयारी में विलंब संभव है। इसके अलावा नियोजन इकाई बार रिक्त पदों को NIC पोर्टल पर अपलोड करने में देरी हो सकती है। तो अभी तक रिक्ति नहीं दी गई है, जिसकी वजह से जो आगे का प्रोसेस होता है, जैसे रोस्टर क्लियरेंस हो गया, NIC के वेबसाइट पर डालना, ये सब कार्य जो है रोस्टर क्लियरेंस करना था 15 जुलाई तक ही, और 30 जून तक रिक्तियां जो है वो दे देनी थी, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। इसके अलावा नियोजन इकाई बार रिक्त पदों को NIC के पोर्टल पर अपलोड करने में देरी होगी। इसके लिए तिथि तय की गई थी 25 जुलाई। इधर शिक्षक अभ्यर्थियों में बेचैनी बढ़ती जा रही है, और जो अभ्यर्थी सीटेट पास करके काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी बेचैनी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी तक रिक्ति नहीं गई है, तो इसमें बहाली में लेट होना तय है। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे क्या अपडेट आता है। जो भी अपडेट आएगा उससे मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।